subscribe my channel and press the bell icon for video notifications. Hello friends, welcome back to my channel Cooking with Dimple. आज मैं आपको एक मेनू प्लान दिखाऊंगी, एक दूसरे तरीके का मेनू प्लान. ये मेनू प्लान्स मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि बहुत समय क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है कि यही बनाना है जो मैं बना रही हूँ, बट आइडियाज मिल जाता है कि आप किस तरीके से अपना लंच प्लान कर सकते हैं. तो आज लंच में एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी रहेगा जो मैं दावे के साथ कहती हूँ वो एक नया तरीके का रेसिपी है और इस डिश को आप बहुत पसंद करेंगे. दूसरा मैं एक वेजिटेबल रहेगा, उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी हम देख लेते हैं. तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, देखते हैं मैं आज लंच में क्या बना रही हूँ. लंच मेनू थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग. तो देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने इस तरीके से काकरोल, इसको मैंने वन विसल तक इसको कुक कर लिया. बिकॉज काकरोल जो होता है थोड़ा ये सख्त होता है, इसको पहले आपको सॉफ्ट करना है और इस तरीके से आप इसको ड्रेन करके एक प्लेट में निकाल लीजिए. इसका स्किन जो है मैंने इसको पील कर लिया था, स्किन आपको पील करके इस तरीके से इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करना है. मैं आपको दिखाती जाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ लंच में. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और वेस्ट बंगाल में ये जो बंगालीज के घर, ये बहुत ही एक कॉमन पॉपुलर और डिलीशियस फ्राई है, फ्राइड रेसिपी जिसको हम राइस के साथ जनरली खाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो इसको हम पहले सबसे पहले ठंडा कर लेते हैं. अब हमें जो करना है, देखिए इस तरीके से मैंने पॉकेट्स बना लिया, इसके सारे सीड्स इस तरीके से एक कटोरी में निकाल दिया. अगर आप चाहे तो सीड्स फेंक सकते हैं, बट फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप फिलिंग में यूज़ कर लें. बिकॉज ये जो काकरोल जो है, टीजर गोड आई थिंक इसको बोलते हैं, ये बहुत मैंने देख कर चुन के लिया थोड़े सॉफ्ट वाले, और ये बहुत गर्म है, मैं बहुत केयरफुली इसको निकाल रही हूँ बिकॉज़ लंच है, मुझे बहुत वेट करने का टाइम तो नहीं है. बट अगर आप चाहे तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर ले एंड फिर इसके पॉकेट इसमें से आप इसका बीच में से ये सीड्स निकाल ले. तो मैं इसको गर्म हाल में ही निकल रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी है. तो इस तरीके से आप सारा निकाल लीजिए और इसको आपको प्रेशर कुकर में आप इसको अगर बॉईल करेंगे तो ये जल्दी बनेगा, और बॉईल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका जो मैं डिश बना रही हूँ वो अच्छा नहीं लगेगा. अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी इस तरीके से. एक पैन लेना है और पैन को आप गरम कर ले अच्छी तरीके से. ये देखिए ग्रेटेड नारियल यहाँ पे है, तो ये नारियल, हाफ नारियल मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रखा है और रखा है पेस्ट, ये मस्टर्ड पेस्ट है, मस्टर्ड पेस्ट, ग्रीन चिलीज और इसके साथ थोड़ा सा नमक है. जैसे हम ये काला वाला राई मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो अब हमें इसमें डालना है तेल, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सरसों का तेल. थोड़ा सा तेल दिया, तेल आपका जैसे ही गर्म हो जाए आप डाल दीजिए उसमें ये वाला फिलिंग पहले,
फिर डाल दीजिए उसमें नारियल। आप चाहे तो इसको विदाउट फ्राइंग भी बना सकते हैं, वो वाला रेसिपी है ऑलरेडी मेरे चैनल में तो, बट ये मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रही हूँ। नारियल डालने के बाद अब मैं इसमें जो डालूंगी वो है ये सरसों का पेस्ट। ये पूरा सरसों का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ बिकॉज नहीं तो फिर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब हमें इसे थोड़ा सा सॉटे करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, नमक नहीं डाल रही हूँ बिकॉज नमक है इसके अंदर ऑलरेडी। इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसे सॉटे करना है तो थोड़ा पकने देते हैं। अब ये जैसे ही सॉटे होने लगे लास्ट में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सरसों का तेल डाल रही हूँ, बट जिनको पसंद नहीं है आप मत डालिए, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड पंच के लिए मैंने डाला। तो ये हमारा बन चुका फिलिंग। ये फिलिंग बन गया, अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। मैं एक बोल में निकाल के इसको ठंडा करूंगी। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है। अब सबसे पहले मैं जो करूंगी वो है फिलिंग को इसके अंदर डालूंगी। तो फिलिंग हम डाल लेते हैं और मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए डाल दिया। तो इस तरीके से अब फिलिंग को डालें। और ये काकरोल या टीज़र गोज इस ये अभी आपको मिलेगा समझ में, बाज़ारों में मिल जाएगा और बिलीव मी इसको आप खाइए, ये बहुत ही टेस्टी एक डिश है। तो इस तरह से मैं सारे ये काकरोल में ये इसको फिलिंग को डाल दूंगी। अब मैं बनाऊंगी बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैं डालूंगी आटा। आप चाहे तो बेसन यूज़ कर सकते हैं बट आटा इज़ वेरी गुड, ये बहुत टेस्टी लगता है और इसमें आटे के साथ ये एक क्रंचीनेस भी आता है। आप मैदा की जगह आटा यूज़ करके देखिए। डाल दिया, थोड़ा सा डालूंगी उसमें थोड़ा सा कलौंजी। अब डालूंगी उसके अंदर हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा। डालूंगी बहुत थोड़ा सा उसके अंदर मिर्ची पाउडर। अब डालूंगी उसके अंदर पानी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के आपको बैटर बनाना है।
बैटर बिल्कुल अब घुल गया है, उसके अंदर मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा कुकिंग सोडा, इससे आपका जो फ्राइज है वो बहुत क्रंची रहेगा। और डालूंगी थोड़ा सा, वो गरम किया है जो सरसों का तेल, वो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ताकि आपका बैटर जो है वो बहुत स्मूथ रहे। ये देखिए एक सिल्की एंड स्मूथ बैटर है। तो बैटर भी तैयार हो गया, तेल ऑलरेडी गरम हो गया। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है बिकॉज ये सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है फ्राई करने पर, बट अगर आपको आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं वाइट ऑयल। तो आपको इस तरीके से बैटर में डिप करना है अच्छी तरीके से, और आपको करना है फ्राई। आंच को आप मीडियम रखें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसको मैं पलटूंगी। अब दूसरी तरफ हमें अच्छी तरीके से फ्राई करके फिर सर्व करना है। ये फ्राई हो गया है दोनों तरफ से अच्छी तरह और क्रिस्पी भी बन गया है। अब इसको मैं एक किचन टॉवल में निकालूंगी। इस तरीके से आप ड्रेन कर ले एक्स्ट्रा ऑयल, फिर इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। लंच में दूसरा डिश जो बनाऊंगी वो है, ये थोड़ा सा मशरूम पड़ा हुआ था फ्रिज में तो उसको डाल के, आलू डाल के, थोड़ा सा प्याज पड़ा हुआ था वो, और भिंडी डाल के बनाऊंगी एक फ्राई फॉर लंच। तो तेल को पहले गरम करना है और डाल दूंगी उसमें ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही टेम्पर होने लगे उसमें मैं डाल दूंगी ये आलू। आलू को पहले डाल रही हूँ बिकॉज वो फ्राई होने में टाइम लगता है। आलू भी डाल रही हूँ स्लाइस किया हुआ, यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज वो भी डाल दिया। मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ सबसे पहले थोड़ा नमक डालकर। तो थोड़ा नमक डालूंगी, नमक मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। तो हम इसे अब फ्राई कर लेते हैं। आलू जैसे थोड़ा सा फ्राई हो गया, ये 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया। अब डालूंगी इसके अंदर भिंडी। भिंडी डालते ही इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और डालूंगी मिर्ची पाउडर वो भी 1/2 चम्मच। डालूंगी थोड़ा सा नमक,
और उसे अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। मशरूम जो है वो फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए इसको मैं बाद में डालूँगी। तो पहले हम इस भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। अब डालूंगी टमाटर। भिंडी को फ्राई करते समय मैं बीच बीच में थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ ताकि ये जो आलू है वो अच्छे से पक जाए और आपका भिंडी भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और भिंडी को अगर हम ढकेंगे तो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए विदाउट ढके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं जो मशरूम है वो डाल दूँगी। बन गया हमारा ये मशरूम भिंडी फ्राई। सीजनिंग आप चेक कर लीजिए हमेशा। तो ये बन गया। सिंपल लंच मैंने आज सर्व कर दिया। तो आज बनाया स्टीम्ड राइस और उसके साथ ये भिंडी, और फिर थोड़ा सा चिकन लिया और काकरोल लूंगी। तो ये गरम गरम ही आपको फ्राई करके सर्व करना है। तो ये भिंडी मशरूम आलू फ्राई आपको कैसा लगा, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये मेनू प्लान अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे बनाएं, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे कोई और लंच रेसिपी के साथ।